ट्राइर रौप्य जयंती समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अभिभाषण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया अभिभाषण प्रदान करते नरेंद्र मोदी दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रजुक्ति आत्मनिर्भरशीलता दिगरे स्वदेशी 5G एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप एकविंश शताब्दी भारत में संचार ही प्रगतिर निर्णायक होती मोदी देशर प्रशासनिक क्षेत्र में 5G प्रजुक्ति सकारात्मक परिवर्तन आने सहित जीवनमान एवं व्यावसायिक सुगमता सहायक हो 2G जुगर दुर्नीति हताशा एवं नीतिगत स्थाणुतारु मुक्त हो देश 3G रु 4G एवं वर्तमान 5G और 6G अभिमुखे द्रुत गति से आगे चली गत 8 वर्ष दूरसंचार क्षेत्र में नूतन शक्ति संचार होता कहते प्रधानमंत्री यह अवसर में से एक डाक टिकेट उन्मोचन करम केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव देवू सिंह चौहान एवं एल मुरुगनन समेत दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र अनेक नेतृवृंद उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री देवू सिंह चौहान जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से जुड़े सभी लीडर्स, देवियों और सज्जनों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई इससे जुड़े सभी साथियों को सिल्वर जुबली की बहुत बहुत बधाई। ये सुखद संयोग है कि आज आपकी संस्था ने 25 साल पूरे किए हैं। तब देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोडमैप पर काम कर रहा है, नए लक्ष्य तय कर रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्टबेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल।